next article is 11th article, entomology. Entomology, okay. So let's start. Insects are small animals with six legs and a hard outer shell. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, और उनके लेग्स कितने होते हैं, वो सिक्स होते हैं, और उनका आउटर शेल जो ऊपर साइड कवर होता है वो हार्ड होता है, सख्त होता है. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड एंटीने, और बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें विंग्स होते हैं और एंटीने होते हैं, मीन्स विंग्स होते हैं. स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है? अगर इंसेक्ट्स पर स्टडी की जाए, डीप नॉलेज लिया जाए, इंफॉर्मेशन ली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी. ओके, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो. अभी यहाँ पर आपको क्लूज दिए हुए हैं, सी यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं, वो क्लूज को रीड आउट करके हमें क्या करना है, ये क्रॉस वर्ड्स को कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट स्टार्ट. I will read the first clue. This insect carries germs of malaria and yellow fever. अभी ये एक इंसेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो मलेरिया उससे होता है, और येलो फीवर मीन्स जो पीला बोलते हैं वो उससे होता है. तो वो कौन सा इंसेक्ट है देखेंगे. ओके, सी यहाँ पर फर्स्ट नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, मिसिंग वर्ड से और एम से स्टार्ट है, और मिडल में भी कुछ आए हैं. सो मॉस्किटो से मलेरिया और येलो फीवर होता है. सो इसका हम मॉस्किटोज का स्पेलिंग लिख लेंगे. एम दिया है, ओ लिख लेंगे, मॉस्की, ये आई दिया है, टी ओ मॉस्किटो. ओके, मीन्स ये मच्छर को बोलेंगे जिससे मलेरिया और येलो फीवर होता है. नेक्स्ट, एन इंसेक्ट विथ हार्ड फीलर्स. सम इंसेक्ट्स आर टाइनी बट अदर्स आर क्वाइट लार्ज. मीन्स ये जो होता है इंसेक्ट, तो वो हार्ड होता है, उसका कवर जो होता है वो हार्ड होता है, और उसमें कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं छोटे होते हैं, और कुछ बोले तो बड़े होते हैं. ओके, सेकेंड नंबर यहाँ पर दिखाया है, सी यहाँ पर बी है और लास्ट में ई है, मीन्स बीटल. उसके जो कवर होता है आउटर शेल वो हार्ड होता है. सो बीटल छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं. सो दिस इज बीटल, बी ई ई बी ट ल, बीटल. ओके, बी ई ई टी एल ई, बीटल. सो नेक्स्ट क्लू देखते हैं, थर्ड नंबर का. दिस इंसेक्ट हैज़ नो ईयर्स, इट हियर साउंड विथ इट्स फीलर्स. अभी ये एक इंसेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसको ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते हैं, वो साउंड को महसूस करता है, कोई भी साउंड को सिर्फ महसूस करता है, सुनता नहीं है. ओके, सो देखते हैं थर्ड नंबर वाला, इसमें से थर्ड नंबर कहाँ है, सी यहाँ पर थ्री नंबर दिया है, जी से स्टार्ट है, ई आर पर एंड है. तो देखते हैं, दिस इंसेक्ट नेम इज ग्रास होपर. ग्रास होपर जो ग्रीन कलर का होता है, और लीव्स के बैकग्राउंड में वो हाइड हो जाता है, छुप जाता है. सो दिस इंसेक्ट नेम इज ग्रास होपर. सो लिख लेते हैं, जी आर ग्र एस एस ग्रास होपर, एच ओ हो पी पी ई आर ग्रास होपर. ओके, एच ओ पी पी ई आर होपर, ग्रास होपर. नेक्स्ट क्लू देखते हैं, फोर्थ नंबर का. दिस टाइनी इंसेक्ट कैन कैरी हैवी लोड्स. अभी ये कौन सा इंसेक्ट है जो हैवी लोड को भी कैरी करता है, वजन चीज़ों को भी कैरी करता है, उठाता है. ओके, फोर्थ नंबर का देखते हैं,
थी, यहाँ फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर का ए और टी लास्ट में है, यह है एंट। एंट जो है आप देखोगे घर में भी, वो कोई भी, वो जितनी होती है उससे कई ज़्यादा वो हेवी लोड कैरी करती है ना, तो एंट, ए एन टी एंट। फिफ्थ नंबर का क्लू, दीज जंपिंग इंसेक्ट्स मेक अ श्रिल चिरपिंग साउंड, मीन्स ये जो इंसेक्ट्स के बारे में हमें बता रहा है, तो वो जंपिंग मीन्स जंप करता है और उसकी आवाज़ जो होती है, साउंड जो होती है बहुत तेज़ होती है, चिरपिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सो देखते हैं फाइव नंबर का, सी फाइव नंबर का दिया है, सी से स्टार्ट है टी पर एंड है, इस इंसेक्ट का नाम है क्रिकेट, क्रिकेट जो स्पोर्ट के नेम पर भी रखा है, दिस इज क्रिकेट। सी आर क्र, ई सी के क, ई ट क्रिकेट, ओके सो दिस इज क्रिकेट। सिक्स्थ नंबर का क्लू, इट इज एन इंसेक्ट विथ फास्टेस्ट फ्लाइंग स्पीड, अभी ये ऐसा इंसेक्ट है जिसकी फ्लाइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट वो फ्लाई करता है। सिक्स नंबर का देखेंगे, सी एर सिक्स नंबर का दिया है, डी से स्टार्ट है, जी है बीच में, ये ड्रैगन फ्लाई है, डी आर ड्र ए ड्रे जी ओ गो ड्रैगन न ड्रैगन फ्लाई एफ एल वाई फ्लाई ड्रैगन फ्लाई ओके। नेक्स्ट नंबर सेवन, इट इज़ आल्सो नोन एज वाइट एंट, ये ऐसा इंसेक्ट है जिसको वाइट एंट के नाम से भी जाना जाता है, इट बिल्ड्स कैस्टल्स ऑफ मड एंड लिव्स इन कॉलोनीज, अभी और ये उनका एक महल, एक पैलेस, एक किला वो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, खुद का तैयार करते हैं मड का, मिट्टी का, और उसमें रहते हैं, उनके कॉलोनीज बनाते हैं, वो इस शेप के होते हैं और यहाँ पर होल होता है, वो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि आप लोग अलग अलग कॉलोनीज में रहते हो वैसे ही उनके अलग अलग वो किले बनाते हैं, महल बनाते हैं, ताकि उनके एनिमीज उनको क्या करे, अटैक ना कर पाए। सो देखते हैं नंबर सेवन का, सी है टी है, मिडल में आर है, ई है, कौन बनाते हैं किले, टर्मिट्स, जो इंसेक्ट टर्मिट है, टी ई आर टर एम आई टी ई, टर्मिट जो होते हैं वो किले बनाते हैं, महल बनाते हैं और उसमें रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं उनके महल। नंबर एट, एंड इंसेक्ट्स हैचेस फ्रॉम बेस, अभी जो इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, इससे बाहर आते हैं इंसेक्ट्स, तो वो कौन सा है, एट नंबर का देखेंगे, जिसमें से इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं, तो एट नंबर का एग, ई जी जी एग, एग में से क्या होते हैं इंसेक्ट्स, बाहर निकलते हैं। देखते हैं नाइन्थ नंबर का क्लू, ए प्लेस वास्प्स एंड बीज ले देयर एग्स, अभी बीज मधमाशी और गानी जो होती है वो खुद के एग्स कहाँ रखती है वो देखेंगे। नाइन नंबर का सी है या एन दिया हुआ है, इसका आंसर है नेस्ट, एन ई एस टी नेस्ट, नेस्ट में वो बीज और वास क्या करते हैं, अपने एग रखते हैं, वहाँ पर छोड़ते हैं, ओके। सो नेक्स्ट नंबर टेन, इट लुक्स लाइक एन इंसेक्ट, ये जो भी इंसेक्ट है वो दिखने में इंसेक्ट दिखता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एज, लेकिन वो इंसेक्ट नहीं है, इट हैज़ एट लेग्स, उसको एट लेग्स होते हैं, दूसरा इंसेक्ट को सिक्स सिक्स लेग्स होते हैं, बट उसको एट लेग्स है, सी है
यहाँ पर बोला है 6 लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स को, लेकिन ये ऐसा दिखने में इंसेक्ट लगता है बट है नहीं, उसको 8 लेग्स होते हैं। तो 10 नंबर का देखेंगे, एस से स्टार्ट है, ER पे एंड है, सो दिस इंसेक्ट नेम इज स्पाइडर, SP IDER स्पाइडर। स्पाइडर को 8 लेग्स होते हैं, ओके, और वो इंसेक्ट नहीं है। 11th नंबर का क्लू, इट इज़ अ कलरफुल इंसेक्ट दैट फ्लटर्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। ये एक कलरफुल इंसेक्ट है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है, फिरता है, ओके। देखते हैं 11th का, बी से स्टार्ट है, वाई पर एंड है, दिस इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कलरफुल होती है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर वो जाते रहती है। सो बी यू ब ट ई बटर र बटर एफ एल फ्ल वाई फ्लाई बटरफ्लाई। सो इस तरह से जो हमारा नंबर 11th का आर्टिकल एंटोमोलॉजी था वो यहाँ पर फिनिश हुआ है। सो डिड यू नो ए फ्ली कैन जम्प 6 टाइम्स हायर देन इट्स ओन हाइट। अभी फ्ली जो एक इंसेक्ट है, सो उसकी हाइट जितनी है वो अपने हाइट से 6 टाइम्स हायर ऊंचा वो जंप कर सकती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।